हाँ, ये सस्ता वाला ही ये है। बहुत खराब था, मतलब मैं थूक के चला गया था, मतलब शायद गंदा पानी डाल दिया, गटर का पानी डाल दिया। आप जब मैन्युफैक्चरिंग और इस प्रोसेस में उतरते हैं तभी आपको पता चलता है कि बैक एंड पे गेम क्या चलता है। देखिए यहाँ पे कोई आपका चाचा भतीजा नहीं बैठा मार्केट में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव तनेजा। बीस लाइफ प्रोटीन के बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे आफ्टर द लॉन्च स्पेशली, एंड दिस इज अ वीडियो टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है प्राइस को लेके, कि प्राइस बहुत हाई है। देखिए हाँ, इसका प्राइस बहुत हाई है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक मीडियम क्वालिटी ब्रांड से, बट जहाँ पे आप चाहते हैं हाई क्वालिटी पे तो आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांड्स उसी रेंज पे ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि एक अच्छा और प्रीमियम प्रोडक्ट देने के लिए आपको उस प्राइस पे ही खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने ब्रांड में लॉस करेंगे, और लॉस करके तो कोई ब्रांड ना चलती है ना कोई चलाना चाहेगा। इस ब्रांड को खोलने से पहले हमने बहुत मार्केट रिसर्च की थी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा माल बिकता है, एंड वी नो कि किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा माल बिकता है, ई कॉमर्स पे और वेबसाइट्स पे या मार्केट में। तो बहुत इजी था हमारे लिए कि एक वैसा ग्रेड का ही प्रोटीन लॉन्च करें जो कि 2000-2300 के आसपास का हो, मिक्सचर में आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट को मिला के। हालांकि आपको उस पॉइंट पे भी वैसे प्रोटीन्स मिल जाएंगे, लेकिन जब मार्केट में आ रहे थे तो हमारा एम था एक प्रीमियम क्वालिटी एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें। देखिए अगर उस प्राइस पॉइंट पे हम लेके आते तो हमें पता हमारी सेल्स जितना है आज से 10x हो जाती, लेकिन दैट वाज नेवर द एम, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। और जितने भी प्रोडक्ट हमने बेचे हैं जो हमें फीडबैक आए लोगों से वो सही में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देखिए वे प्रोटीन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि आप रॉ किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। देखिए मार्केट में बहुत टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, रॉ वे प्रोटीन्स आते हैं, एक चीप भी आता है, एक्सपेंसिव भी आता है, प्रीमियम भी आता है। बहुत सारे लोग जो है चीप क्वालिटी का वे प्रोटीन प्रोक्योर कर लेते हैं और उससे अपना प्रोटीन बनाते हैं। अब कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जो आप जब मैन्युफैक्चरिंग और इस प्रोसेस में उतरते हैं तभी आपको पता चलता है कि बैक एंड पे गेम क्या चलता है। देखिए एक तो हो गया कि आपका चीप क्वालिटी का वे आपने प्रोक्योर कर लिया, हमने भी जब टेस्टिंग की थी तो वो चीप क्वालिटी के वे को हमने ट्राई किया था, उसके बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं जो मेजर इंडस्ट्री में काम हो रहा है। देखिए मान लीजिए आपकी खुद की एक प्रोटीन कंपनी है, अभी आप जून में बैठे हैं, आप मार्केट में गए वे प्रोटीन प्रोक्योर करने, आपको वे प्रोटीन मिलेगा काफ़ी महंगे दामों पे, खासकर आइसोलेट्स के दाम तो इस समय आसमान को छू रहे हैं। जो रॉ वे प्रोटीन अगस्त 2022 में बना हुआ है उसकी एक्सपिरेशन आ चुकी होगी अगस्त 2024 में। देखिए एक्सपिरेशन के पास किसी भी रॉ वे प्रोटीन के दाम बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी उसको हाथ नहीं लगाती क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला होता है। लेकिन क्या है, जब आप वो एक्सपिरेशन के पास वाला वे प्रोटीन उठाते हैं जो मार्केट में 1700 तक के रेट पे अब पहुंच चुका है, वो आपको बहुत चीप 800-900 हज़ार रुपये तक का मिल जाता है, क्योंकि अगस्त के बाद तो वो वैसे ही ख़राब हो सकता है, उसको सप्लायर लीगली मार्केट में बेच नहीं सकता। तो आपने एक दो महीने एक्सपिरेशन से पहले उसको उठा लिया, लेट से जून 2024 में आपने अगस्त 2022 का माल उठा लिया जो कि अगस्त 2024 तक ही वैलिड है। अब जब अपना वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग आप जून में करते हैं, आपका डब्बा बन के तैयार हो चुका है, उसमें आपने फ्लेवर्स, एंजाइम्स और बाकी सब चीज़ें मिला दी, स्वीटनर्स मिला दिए, जब वो डब्बा बन के तैयार होता है आपको आज की डेट से उस पर 2 साल का फिर एक्सपिरेशन मिल जाता है। तो आज जून में बैठे अगर आप डब्बा बनाते हैं उस ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से, तो आपको जून 2026 तक की डेट मिल जाती है। इसके रिगार्डिंग इंडिया में अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, इसको कहीं रेगुलेट नहीं कर सकते और ये कहीं लिखा नहीं है, इसीलिए बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और ये एक रीज़न है कि आप बहुत लेस प्राइस पे, बहुत कम दाम पे मार्केट पे एक प्रोटीन लॉन्च कर सकते हैं, और लोगों को लगता है ये ब्रांड इतना अच्छा प्रोडक्ट इतने कम दाम पे कैसे दे रही है। देखिए यहाँ पे कोई आपका चाचा भतीजा नहीं बैठा मार्केट में जो आपकी इतनी चिंता करता है कि जो माल मार्केट में 1700 का मिल रहा है मैं उसको आपको 2200-2300 रुपये का प्रोटीन बना के दे दूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। दूसरी चीज़ आ गई चीप वे वर्सेस एन एक्सपेंसिव वे। देखिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप एक जूता लेने जाते हैं, आप एक घड़ी लेने जाते हैं, आप एक चश्मा लेने जाते हैं, एक आपको ब्रांडेड सामान मिलेगा जो 5-6 हज़ार का होगा, एक आपको वही 1000 रुपये का भी मिल जाएगा, 500 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, सबको सब प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आपने खुद ही देखा होगा, अगर आप एक टी शर्ट लेके आते हैं जो एक 3000 या 2000 2500 की अच्छी टी शर्ट है, वही एक 500 रुपीज़ की टी शर्ट लेके आते हैं, आप उसको 2 बार धोएंगे आपको क्वालिटी का फ़र्क पता चल जाएगा। सो व्हेन यू स्पेंड मोर मनी यू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वो महंगी टी शर्ट आपकी 3-5 साल तक चलेगी, वही जो सस्ती टी शर्ट है वो 6 महीने बाद ऐसे लगेगी कि पुरानी हो चुकी है, उसका फैब्रिक ढल जाएगा, फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। जब आप दोनों नहीं देखेंगे आपको लगेगा ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है, बट देन इट कम्स डाउन टू यू कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। टी शर्ट तो फिर भी आप पहनते हैं,
लेकिन समथिंग विच यू आर कंज्यूमिंग एंड पुटिंग इनसाइड द बॉडी, आई थिंक उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम कुछ टाइम पहले जब हम अपना प्रोटीन सिलेक्ट कर रहे थे तो हमने ट्राई भी किया था कि एक चीप वे और एक एक्सपेंसिव वे में डिफरेंस क्या होता है। हमने एक वीडियो भी बनाया था, वो हम डाल नहीं पाए थे अपने पेज पे, लेकिन राइट नाउ इट इज़ द टाइम कि आप वो वीडियो देखें और आपको समझ में आएगा। आज हमारे पास दो क्वालिटी के वे प्रोटीन है, ए और बी, हमने मार्क कर रखा कौन कौन सी ब्रांड्स के। ये वाला जो प्रोटीन है ये थोड़ा चीप में आता है, 650-700 रुपये में आ जाएगा आपका, 700 रुपये मान लीजिए। और जो ये वाला प्रोटीन हमारा है ये आता है हाई एंड पे, 1050-1100 रुपये का ही चलता पर केजी। देखिए ये हमारा चीप वाला प्रोटीन है और ये हमारा एक्सपेंसिव वाला प्रोटीन है, तो ये दोनों में फ़र्क कितना है, एक में झाग कितनी बनी हुई है और एक में कम झाग है, जबकि बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। स्मेल थोड़ी इसमें ज़्यादा मिल्की स्मेल आ रही है, हल्का सा इसमें मुझे सॉल्टी भी लग रहा है कि फर्स्ट नोट में हल्की सी सॉल्ट आ रही है, एंड दिस इज मच मोर स्मूदर। तो ये जो सस्ता वाला प्रोटीन है और महंगा वाला, इसमें टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 3-4 लोगों को टेस्ट करा, एक तो बार ठोकने गया बंदा। तो ये जो सस्ता वाला है इसमें अजीब सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत सॉल्टी, और लग रहा है कि मतलब डोंट माइंड बट ऐसा लग रहा है कि पानी खराब है, शायद गंदा पानी डाल दिया, गटर का पानी डाल दिया। कैसा लगा आपको? अरे ये वाला बहुत खराब था। हाँ ये सस्ता वाला, ये बहुत खराब था, मतलब मैं थूक के चला गया था, मतलब इसका रिएक्शन देखा मैंने। तो व्हाट हैपेंस, चीप वन एक्सपेंसिव वन, चीप में क्या होगा, अब इसको कंपनी को टेस्ट को मास्क करना होगा। अब टेस्ट मास्क करने के लिए इसमें फिलर्स डलते हैं, वो फिलर्स फिर क्या करते हैं आपके बॉडी में जाके आपको ब्लोटिंग देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अच्छे से अच्छा प्रोटीन में आपको कभी कभी ब्लोटिंग दे जाता है। ये मैंने चीप यूज़ कर लिया, अब टेस्ट को मास्क करना मैं इसमें 1000 तरह के आर्टिफिशियल एजेंट डालूंगा, इसके टेस्ट को मास्क करूंगा, फिर मैं इसका बेचूंगा, क्योंकि मेरे को टेस्ट तो इसका और इसका। तो जैसे आपने देखा कि वो चीप प्रोटीन है उसमें लम्ब्स कितने ज़्यादा बन रहे थे, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, बहुत ही बेकार सा फ्लेवर होता है, ऐसा लगता है कि गंदा पानी डाल दिया किसी ने। अब जो कंपनी वो चीप रॉ वे प्रोटीन लेके अपना डब्बा बनाती हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं बचते, वो लम्ब्स को हटाने के लिए उसमें एंटी केकिंग एजेंट डालते हैं, थिकनर्स डालते हैं, इमल्सीफायर्स डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वे प्रोटीन शेक्स इतने मीठे होते हैं। देखिए मैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है जब वो एक स्पेसिफिक मात्रा में यूज़ होते हैं तो आपके शरीर के लिए वो हानिकारक नहीं होते, तो ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट आपने देखा होगा कि हाँ जब आप एक चीप क्वालिटी वे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत मात्रा में स्वीटनर डालना पड़ता है, क्योंकि रॉ वे का खुद का अपना एक टेस्ट होता है, जब आप उसमें इतना ज़्यादा स्वीटनर या मीठा डाल देते हैं तो वो मास्क हो जाता है, और ये ऐसे लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उसमें इतने सारे वो स्वीटनर्स डालें, आर्टिफिशियल फ्लेवर खूब सारा डालें, ताकि जो वो भद्दा सा टेस्ट है उस रॉ का वो आपके सामने ना आ पाए। जब आप इतने सारे इमल्सीफायर्स डालेंगे, उसमें लम्ब्स बन रहे हैं, लम्ब्स को हटाने के लिए आप उसमें एंटी केकिंग एजेंट डालेंगे, क्योंकि वो आपने वे प्रोक्योर किया ऑलरेडी, रॉ वे इतना पुराना है उसमें गाँठे या लम्ब्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, आपको वो सब डालना ही पड़ेगा। तभी आप देखेंगे आप बहुत सारे शेक्स को जब पानी में डाल के शेक करके कंज्यूम करते हैं वो इतना थिक हो जाता है, और उसी थिकनेस की वजह से आपके जब वो पेट में जाता है तो वो ब्लोटिंग जैसा फील होता है। मैंने खुद भी बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स ट्राई किए हैं, मैंने एक्चुअली मार्केट में हर एक प्रोटीन ट्राई किया, एंड जब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं खुद मार्केट में होता अपनी ब्रांड बना रहा, तो मुझे बहुत ही क्लियर था कि मुझे अपनी ब्रांड किस डायरेक्शन में लेके जानी है और क्या प्रोडक्ट बनाना है। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को नीड किस चीज़ की होती है। वो थिक शेक्स पी के आपको इतना फुल फील होता है, अगर आप सुबह एक शेक पी लेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट खत्म, 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, वर्कआउट के बाद अगर ऐसा थिक शेक पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट में ब्लोटिंग हो रही है और रात का खाना आप खा नहीं पाएंगे, फिर आपको खाना ठूसना पड़ता है। एक फीडबैक जो हमें बीस लाइफ में मिला है, लोगों ने कहा है कि ये इतना लाइट है, पहले हमें खाना खाना पड़ता था क्योंकि अब बल्किंग कर रहे हैं या फिर डाइट में लिखा तो खाना है, अब जो है आधे घंटे बाद छू मंतर लगता ही नहीं कुछ पी रहे और हमें भूख लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ये जो एक्सपिरेशन के पास वाला वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, हालांकि उसमें क्लेम होगा कि 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन जब वो इतने टाइम से शेल्फ पे पड़ा हुआ है, किसी ने उसको छुआ नहीं, एक्सपिरेशन के पास वो चीप हो गया, या फिर आप चीप क्वालिटी वे प्रोटीन भी लिखते हैं, बैग पे तो लिखा होगा कि WPC 80, मतलब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%, लेकिन अब FSSAI के नए रूल्स आ गए हैं, आपने जब भी अपना डब्बा तैयार किया, लेट से उसके एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन जब आप टेस्टिंग कराने जाते हैं तो प्लस माइनस 20% भी आता है, तो वो टेस्ट में पास माना जाता है। इसका मतलब अगर 25 ग्राम प्रोटीन है उस स्कूप में, तो अगर 20 ग्राम भी निकल के आता है टेस्टिंग में तो उसे पास माना जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कि बीस लाइफ में 33 ग्राम का स्कूप है, फिर भी उसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आप तो कह रहे हैं कि इसमें आइसोलेट ज़्यादा पड़ा हुआ है, कि 33 ग्राम का अगर स्कूप है तो एटलीस्ट ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। तो बीस लाइफ में हमने 51% वे प्रोटीन आइसोलेट डाला प्रीमियम क्वालिटी का, 33% सिर्फ हमने इसमें कॉन्सेंट्रेट डाला है, और इसमें 13% प्योर कोकोआ पड़ा हुआ है, विच इज़ द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोकोआ। जो भी डार्क लवर चॉकलेट है, जो भी बीस लाइफ कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि इसमें कितना प्रीमियम कोकोआ का टेस्ट आ रहा है। ये टोटल हो जाता है 97%। 3% जो बचता है उसमें हमारा अल्ट्रा एब्जॉर्प्टेक आ रहा है, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ एंजाइम्स जो हमने बहुत रिसर्च करा है। उसके बाद हमने कहा कि ये बेस्ट एंजाइम्स हैं और इतनी ही मात्रा में पढ़ने चाहिए, ताकि एक ओवरऑल सारी जनता को ये बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो जो 13% कोकोआ पड़ा है 33 ग्राम के स्कूप में, ये ऑलमोस्ट आपको 4.4 ग्राम पड़ता है। तो 33 ग्राम में 4.4 ग्राम आपका कोकोआ ही हो जाता है। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं इसमें एक फ्लेवर डालता हूँ, देखिए कोकोआ इज़ अ नेचुरल इंग्रेडिएंट, इट इज़ नॉट अ फ्लेवर। फ्लेवर जो पड़ता है वो 0.3 से 0.5 ग्राम पड़ता है, लेकिन कोकोआ जो पड़ रहा है ऑलमोस्ट 4.4 ग्राम मान लीजिए हो गया। तो ये इतनी ज़्यादा जगह आपके स्कूप में ले रहा है, इसीलिए 33 ग्राम में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। एक सवाल और निकल के आ रहा है कि इसमें कार्ब्स इतनी ज़्यादा क्यों है। देखिए ये एक बॉक्स मेरे हाथ में है और इसका अगर हम टेबल पढ़ें, पर सर्विंग 33 ग्राम में 3.78 ग्राम कार्ब्स है। ये बहुत ज़्यादा कार्ब्स है जब आप इतना आइसोलेट और इतना कॉन्सेंट्रेट डालें, ऐसा लोगों को लगता होगा। लेकिन एक चीज़ जो आप अपने से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सिर्फ उसी को पता होगा, जब 4.4 ग्राम्स कोकोआ पड़ रहा है तो आधी कार्ब्स इसमें, ऑलमोस्ट 2.2 ग्राम कार्ब्स हमारी कोकोआ से आ रही है। मैं कोकोआ का एक आपको रिजल्ट शीट यहाँ डलवा दूँगा, हमने टेस्ट कराया था। सो हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर कमिंग फ्रॉम कोकोआ, जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो अगर इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, स्टीविया है, आइसोलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, अल्ट्रा अब्जॉर्प्टेक है, तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जब आप एक नेचुरल चीज़ खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आप एक रेगुलर कंज्यूमर हैं तो आपको वो जो 2.5 ग्राम कार्ब्स कोकोआ से आ रही है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगी। अगर आप एक कॉन्टेस्ट प्रेप में हैं या ज़ीरो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तब मैं हाँ बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप प्योर आइसोलेट प्रोटीन लें। लेकिन अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, एक अच्छी फिजिक, मतलब एक लो बॉडी फैट परसेंटेज पे भी है, तभी भी सबकी डाइट में मिनिमम 150 ग्राम तो कार्ब्स होता ही होता है। अगर आप बहुत लो कार्ब्स डाइट भी कर रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम कार्ब्स आपकी डाइट में होता ही होता है। तो ये 2.5 ग्राम कार्ब्स आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कोकोआ है, हमारा जो डार्क चॉकलेट फ्लेवर है, इसके एक लिमिटेशन भी है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस रेंज में लॉन्च नहीं कर सकते। आपको कभी ना कभी फ्लेवर्स डालने ही पड़ते हैं, जो आपको अगर मार्केट में डिमांड है कि डिफरेंट फ्लेवर्स के प्रोटीन डालते हैं। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आप चॉकलेट के लिए कोकोआ डाल देंगे, वेनिला डाल देंगे, कॉफ़ी वाला फ्लेवर लॉन्च कर सकते हैं, बट इसके बाद एक लिमिटेशन आ ही जाती है। बहुत लोगों को चिंता होती है कि प्रोटीन नहीं खाएंगे, डब्बा नहीं खाएंगे, वो अननेचुरल होता है। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, रॉ प्रोटीन जो बनता है मिल्क से बनता है, बाकी सब कुछ इसमें नेचुरली है, कोकोआ नेचुरल है, स्टीविया नेचुरल। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ सेफ प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसका एक स्कूप को सिर्फ आप 200 ml वाटर में ही बनाएं, क्योंकि इतना लाइट है, 200 ml पानी में भी आपको लाइट लगेगा। एंड बिकॉज इसमें कोकोआ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें वो 4.5 ग्राम डालना ही पड़ा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जाते हैं तभी वो उतना फ्लेवर दे पाते हैं, जितना कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स 0.3, 0.4, 0.5 ग्राम में देते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर्स को कॉल करके उनका फीडबैक लेते रहते हैं। 80% लोगों को इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा, 20% लोगों ने कहा कि हाँ ये थोड़ा मीठा और हो सकता है, फ्लेवर और इन्हेंस हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन 100% लोगों ने ये माना कि ये बहुत लाइट है, एब्जॉर्प्शन इसका बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड देर एब्सोल्युटली लविंग इट, परफॉर्मेंस में उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। तो दीज वर सम क्वेश्चंस विच आई वांटेड टू क्लैरिफाई अबाउट बीच लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में उसको डालिए नीचे। 9th जुलाई को ऑब्वियसली वी आर कमिंग अप विद समथिंग वेरी न्यू, क्योंकि मेरा बर्थडे, आई वॉन्टेड टू गिव इट एज अ बर्थडे गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो 9th जुलाई को डू चेकआउट, सुबह 9 बजे हम वो रिवील कर देंगे। थैंक यू सो मच।